एक तरफ देश में CAA, NPR और NRC का विरोध चल रहा है, तो वहीं देश भर की तरह ही इंदौर में भी एक शाहीन बाग बड़वाली चौकी पर भी बन गया है। वहीं दूसरी तरफ इस विरोध के बीच इंदौर के खजराना दरगाह की नई कमेटी ने खजराना में होने वाले उर्स का ऐलान भी कर दिया है। ये मेला 3 फरवरी से शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। दरगाह सदर हाजी अरब अली के द्वारा कुछ कव्वाल को हटाकर महिला कव्वाल को जगह दे दी गई है, जिसका विरोध भी हो रहा है। साथ ही दबी जुबान से कुछ दुकानदारों ने बताया कि हमसे 10,000 रूपए लिए जा रहे हैं और रसीद 6,000 की दी जा रही है। वहीं दुकानों की साइज भी कम कर दी गई है। खजराना ही नहीं, पूरे इंदौर शहर में इस आयोजन में मेला और कव्वाली नहीं कराई जाने की मांग उठ रही है। विरोध करने वालों का साफ कहना है कि उर्स की सभी रस्में हों, लेकिन मेला ना लगे और कव्वाली भी ना हो। हर्षवली सरकार हो, क्यों देगी? क्योंकि किसी भी कव्वाल को या तो हम रात को जो बुलाया जाता है मध्य प्रदेश मकबूल द्वारा जो रात को बुलाया जाता है, और रात को अपना कलाम पेश करके मॉर्निंग में या दोपहर में वो निकल जाते हैं। तो ये कव्वाल जो है गीता चिश्ती, ये मुशायरा से लेके कव्वाली का जो लास्ट डे है, इन आप टाइम अगर आप जोड़ना चाहें तो 5, 6, 7 और 8, ये 4 दिन तो ये हो ही रहे। उसके पहले से ही वो आके इंदौर में अपना डेरा जमा लेंगी। तो ये सारा खर्चा क्या कमेटी जो नई कमेटी बनी है, क्या ये वक्फ बोर्ड के द्वारा या हमारे सरकारी खजाने में से लेगी या दरगाह के खजाने में से लेगी या खुद अपनी जेब से उठाएंगे? अपनी जेब से उठाएंगे तो क्यों उठाएंगे? और इसी बात बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, जो हमको सुनने में आ रहा है, हमारा जो गांव है खजराना गांव, जहाँ के हम निवासी हैं, हमको हमारे गांव के जो लोग हैं वो तो एक ऐसी बातें बोल रहे हैं जो अभी आपके चैनल पर बोलना उचित नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि काकी आ रही, काकी आ रही, उनको काकी आ रही क्यों कह रहे हैं? ये तो आप किसी गाँव वाले से थोड़ा इंटरव्यू लेके पूछेंगे तो बता देंगे। देखिए, सभी गाँव वालों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था, कमेटी वालों ने, पुरानों ने, और काफ़ी टाइम से इसको बंद भी करवा दिया था। ये आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही कमी से ऐसा आपको उदाहरण मिलेगा कि कोई महिला कव्वाल आई, और आई भी तो वो मुस्लिम कव्वाल थी, वो फेमस नामी गिरामी, जिनके कुछ कलाम ऐसे थे जिनको सुनना सभी चाहते थे, जिनको मजबूरी में बुला लिया गया था लोगों की पसंद के हिसाब से। लेकिन गीता चिश्ती आप देख सकते हैं, नाम भी लिखा है गीता, तो एक्चुअल में एक तो ज़्यादा फेमस कव्वाल हैं और ना ही पहले कभी खजराने में आई हैं, ना यहाँ की जनता इनके नाम से वाकिफ़ है, तो इनको बुलाना, ये तो कमेटी के कुछ पर्सनली इनके संबंध हो गए तभी इनको बुलाया गया है। आप इसका बेहतर जवाब तो वही दे पाएंगे। इस बात का जवाब मैं आपको ये दूंगा, देखा जाए तो जो ये नारसवली रहमत का जो उर्स है वो होता है एक्चुअल में 13 रबीउल अव्वल को, 40-50 साल पहले 13 रबीउल अव्वल को ही मनाया जाता था, लेकिन 15 फरवरी को जो ये परंपरा जो चल पड़ी है, अगर चाहते तो इसको उर्स को आगे पीछे भी कर सकते थे माहौल को देखते हुए, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में इसलिए फैसला कर लिया कि चुनाव भी नज़दीक है। आपको तो जानकारी है, चुनाव भी नज़दीक है, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, यही है कि ठीक है सदर साहब की मनमानी है, तभी तो ये सब हो रहा सर। सदर अरब अली पटेल, तो क्या है कि सरकार का काम है यहाँ पर, और वक्त बोर्ड ने भोपाल से 2 महीने पहले से इसकी सब डेट तारीख कव्वाल लोग, शायर लोग, इन लोगों को सबको डिसाइड वहाँ से हुआ था भोपाल से। तो रहा सवाल, हम अपनी कौम के साथ हैं, पहले कौम है हमारी, हम लोग उनसे कोई अलग नहीं है, अब हमें कोई जवाबदारी जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी हम अपनी पूरी कर रहे हैं। पोस्टपोन क्यों नहीं हो पाएगा मैडम, ये कि सब लोगों को पैसा लग चुका है, एग्रीमेंट इन लोगों के बन चुके हैं, 2 महीने पहले से ये सब तैयारियाँ होती है। क्या है कि इतना बड़ा प्रोग्राम होता है ये, तो एकदम तो होता नहीं है, तो इसको 2 महीने से सब लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर भी जो दुकानदार गरीब लोग आते हैं, 2 पैसे का काम करते हैं, और ये उर्स कोई आज से नया नहीं हो रहा है, काफ़ी पुराना है, ये दंगे भी हुए, कर्फ्यू भी लगी, उसके बाद भी सरकार का उर्स हुआ है, नहीं ये हर साल की तरह ही है, इसमें नया कोई ऐसा काम नहीं है, जो होता आ रहा वही चल रहा है, ये छोटा ही है देखा जाए तो, कोई इतना बड़ा है या कोई इतना वो नहीं, जो हर साल होता वो सही है, मतलब इस तरह कुछ भी नहीं हटके। आपका परिचय दे, आपका नाम? अजी अरब अली पटेल, सदर दरगाह कमेटी।
INC आर्ट इंडिया न्यूज के लिए इंदौर से लाला शहाबुद्दीन की रिपोर्ट।